हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th और 12th एग्जाम एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इन एग्जाम के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई यहां पर क्लास 10th और 12th के एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। सिलेक्शन यानी कि आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा वो एग्जाम के बेसिस पर लिया जाएगा। डेट की अगर बात करें तो यहां पर क्लास 10th के एग्जाम आपके 15 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 के बीच में कंडक्ट होंगे और 12th एग्जाम आपके सीबीएसई के 15 फरवरी 2024 से 2 अप्रैल 2024 के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। एडमिट कार्ड आप अपने जनवरी 2024 के लास्ट वीक या फिर फरवरी 2024 के फर्स्ट वीक से डाउनलोड करके एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर सीबीएसई 10th एंड 12th एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने सीबीएसई का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा, या फिर गाइज आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर टाइप करोगे cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html। उसके बाद आपके सामने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। यहां पर आपको latest@cbse इस सेक्शन में आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे कि यहां पर 10th और 12th की डेटशीट के लिए आपको PDF के लिंक एक्टिव किए गए हैं, ऐसे ही आपको यहां पर आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही यहां पर लिंक एक्टिव होगा आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप खुलेगा। यहां पर आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके लॉगिन कर लेना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन डेट्स को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो और किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो, सभी डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है। उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना सीबीएसई क्लास 10th और 12th का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। गाइज, आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने साथ एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर पार्टिसिपेट करना है, या फिर आपकी स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर पर। बिना इनके आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही सीबीएसई क्लास 10th और सीबीएसई क्लास 12th की एग्जाम डेट के लिए भी यहां पर PDF प्रोवाइड कर गई है। जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग PDF ओपन हो जाएगी। यहां पर क्लास 10th के एग्जाम आप चेकआउट कर सकते हो। आपका क्लास 10th का एग्जाम 15 फरवरी 2024 से कंडक्ट होने जा रहा है। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक एक शिफ्ट है, 10:30 से 1:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट है। यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। आपके जो लास्ट पेपर होगा 10th का वो यहाँ पर 13 मार्च 2024 है। 13 मार्च 2024 तक आपके 10th के सभी पेपर यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हो। 12th का जो आपका एग्जाम पेपर है 15 फरवरी 2024 से यहां पर 2 अप्रैल 2024 तक आपके 12th के पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। आप इन डेट शीट में से अपने सभी सब्जेक्ट वाइज डेट चेकआउट कर सकते हो और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम पेपर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना सीबीएसई 10th और 12th एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।